हाँ भाई, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद। भाई प्रारंभ करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान देना, आज के जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो पुराने जितने भी एग्जाम हुए थे उन्हीं में से उठाकर कॉपीराइट क्वेश्चन है। वो इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आपको भी पता चले कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, पीछे के क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे, तो वो क्वेश्चन आप तक मैं अवगत करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा वीडियो ये लंबा होने वाला है, टाइमलाइन इसकी बड़ी होने वाली है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड के समतुल्य है। चार ऑप्शन है, चारों में से अपने को वो बताना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो 100 डिग्री के समतुल्य है। क्या वो 232 डिग्री फारेनहाइट है, या 212 डिग्री फारेनहाइट है, या 148 डिग्री फारेनहाइट है, या 186 डिग्री फारेनहाइट। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा आपका। बी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, निरंतर देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के बढ़ने से द्रव का घनत्व, ऑप्शन दे दिए, तापमान का के बढ़ने से द्रव का घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ता है और फिर घट जाता है, समान रहता है। ये पहले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो दोस्तों थोड़ा सा इनको ध्यान से देखना। ए बी सी डी चार ऑप्शन से बताइए कौन सा इसका राइट होगा। तापमान के बढ़ने से द्रव का घनत्व घट जाता है, दोस्तों द्रव का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है, कंप्लीट है, ठीक है। साथ साथ में आपका रिपीट हो रिवीजन होगा, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। इस बात का ध्यान कौन रखता है कि कार्यस्थल पर प्रवेश करने वाला हर एक कर्मचारी के पास उचित अनुभव, प्रशिक्षण, ज्ञान, प्रमाण पत्र तथा कौशल हो। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, बढ़िया तरीके से पहले क्वेश्चन को कवर करो और उसके बाद में ऑप्शनों को देखो, क्या आपने अब तक थ्योरी पढ़ी है उनमें ये क्वेश्चन आपके आगे आए हैं। निर्माण कॉन्ट्रैक्टर, निर्माण सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर, निर्माण इंजीनियर, दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस बात का ध्यान कौन रखता है, यानी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना है, ऐसी पोस्ट के बारे में बताना है कि क्या ध्यान रखता है, यानी ऐसा पर्सन कौन सा है, ऐसी कौन सी पोस्ट है जो ध्यान रखता है किस बात का कि कार्यस्थल पर जो भी कार्य है उस स्थल पर करने वाला हर एक कर्मचारी के पास उचित अनुभव हो, प्रशिक्षण हो, ज्ञान हो, प्रमाण पत्र तथा कौशल हो। तो बताइए निर्माण कॉन्ट्रैक्टर होता है, या निर्माण सुपरवाइजर होता है, या साइट इंजीनियर होता है, निर्माण, इन चार ऑप्शन में बताइए राइट कौन सा होगा आपका। निर्माण कॉन्ट्रैक्टर कौन सा होता है, निर्माण कॉन्ट्रैक्टर ए आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ए आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक परिवहनीय ट्रक के पीछे भाग में कौन सी संख्या दी जाती है। खतरनाक परिवहन जो ट्रक होते हैं जिसमें केमिकल्स है, जो गैस है वो भरी हुई होती है, जो खतरनाक हो यानी जो डेंजरस हो, ज्वलनशील हो, उनको विस्फोटक जो गैसेस होती है, लिक्विड होता है, उनको जो रखने के लिए, देखो परिवहनीय ट्रक की बात कर रहे हैं, टैंक की बात कर रहे हैं, पिछले भाग में कौन सी संख्या दी जाती है जिससे पता चले, यूनाइटेड नंबर दिए जाते हैं, यूनाइटेड नंबर। अब यूनाइटेड नेशनल नंबर कौन से होते हैं, यूई होते हैं, या यूएन होते हैं, यूएफ होते हैं, यूएल। दोस्तों चार ऑप्शन में राइट आपका क्या होगा, बी राइट होगा, यूएन संख्या दी गई। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कहाँ लिखा होता है। देखिए आपके पास में एक डायग्राम आपको शो हो रहा है, देखिए इसमें किस बात की, देखो आपने कभी भी ये ISO प्रकार के टैंक देखे हैं, ये गोलाकार, कभी भी रोड पर आप चल रहे होते हो तो इस प्रकार के आपने टैंक देखे, उसमें एक पीछे नंबर शो होता है, उस नंबर में सारी चीज़ दी गई थी। देखो यहाँ आपको दिया यूएन नंबर दिया गया 1824, यानी कोई ना कोई ऐसा इसमें, यानी वो इस चीज़ के नंबर है कि वो जो खतरनाक द्रव्य है, केमिकल है, या विस्फोटक जो भी पदार्थ है, गैसेज है, इस टैंक में, ISO टैंक में जो भरी हुई है वो कितनी खतरनाक है, उसके लिए कोड है, यूएन नंबर दिया जाता है, जो यहाँ दर्शाता है कि कौन सा इसमें लिक्विड में भरा हुआ है, उसका यूनाइटेड नेशनल नंबर क्या है, समझ में आया ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से जैसे आपने यार बहुत बार कहीं पर भी विजिट करते हैं तो आप गाड़ी के पीछे, कोई ट्रक के पीछे जा रहे हो, तो आपको इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी अपने फायर और सेफ्टी के फीचर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। चलिए, अधोमुख प्रावलीय विमोचन उत्पन्न करने के लिए किस स्प्रिंकलर को डिजाइन किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, कॉपीराइट क्वेश्चन है, किसी के बनाए हुए यानी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को अपन दोहरा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, साथ में बनिए ताकि आपका अभ्यास हो। पहले आपने देख लिया तो दी बेस्ट है, इन क्वेश्चनों को जल्दी से जवाब दीजिए, अगर नहीं देखा तो भी आप कोशिश कीजिए। कन्वेंशनल प्रकार, पेडेंट प्रकार, साइड वाल प्रकार और अपराइट प्रकार, बताइए चार ऑप्शनों में आपका कौन सा होगा राइट। साइड वाल प्रकार कौन सा होगा, साइड सीज का राइट होगा, ठीक है। चलिए, कारखाना अधिनियम 1914, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हर एक जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन निकल रहा है, तब इसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। 1914 का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद की बात कर रहे हैं अभी, पूछा ही है 1948 का कौन सा अनुच्छेद
कारखाने में प्रकाश तथा वातन से संबंधित है, तो बताइए कौन सा है, क्या 19 है, 16 है, 7 है, 18 है, चार ऑप्शन से राइट कौन सा होगा, 7। कारखाना अधिनियम 1948 का कौन सा अनुच्छेद कारखाने में प्रकाश तथा वातन से संबंधित है, तो 7 जो अधिनियम है वो अनुच्छेद है, वो क्या है आपका राइट होगा, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट होगा, ठीक है। चलिए भाई, औद्योगिक कार्यस्थल पर अपर्याप्त प्रकाश क्या है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था और दोबारा रिपीट कर रहे हैं, असुरक्षित कार्य, असुरक्षित नियम, असुरक्षित नियम, असुरक्षित नियम, दोबारा दो ही चीज़ ऑप्शन सेम आ रखे हैं, थोड़ा सी इसको चेंज कर देंगे, और असुरक्षित प्रणाली, बताइए चारों में से राइट कौन सा होता है, चारों में से राइट ए बी सी डी, इसमें से असुरक्षित विधि मान लीजिए, असुरक्षित यानी चारों में से दोनों ऑप्शन सेम दे दिए, इसको चेंज कर दिए, बताइए अब चारों में से कौन सा होगा भाई, असुरक्षित नियम होगा भाई, असुरक्षित नियम, या आप एक काम करो ना, जैसे ये इसका राइट होगा सी, सी कर लो या बी कर ले, क्योंकि दोनों सेम ही है, अगर यहाँ पे ये चेंजिंग हो, यहाँ पे असुरक्षित नियम दे न दे करके यहाँ दे दे सुरक्षित नियम, सुरक्षित नियम, तो आपका राइट कौन सा होगा दोस्तों, आपका सी राइट होगा, असुरक्षित नियम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 मीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले 15 मीटर ऊंचे भवन, 500 मीटर वर्ग क्षेत्र पर वाले 15 मीटर ऊंचे भवन, कितने 15 मीटर में सीढ़ियों के साथ कितने निकास द्वार होते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कितने निकास द्वार होते हैं सीढ़ियों के साथ, क्या दो निकास द्वार होते हैं, या चार होते हैं, या तीन होते हैं, या एक निकास द्वार, बताइए कौन सा इसका राइट होगा, इसमें से आपका 2, 4, 3, 1, तो राइट कौन सा होगा आपका ए, इसमें राइट होगा ए, इसका क्या होगा राइट होगा, दो निकास द्वार होते हैं, कब 500 मीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले 15 मीटर, अच्छा क्वेश्चन है, ऊंचे भवन में सीढ़ियों के साथ कितने निकास द्वार होते हैं, तो दोस्तों कितने होते हैं, दो, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चनों को करेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन है, केरल अग्नि बचाव सेवा विभाग किस वर्ष केरल फायर फोर्स अधिनियम के लागू होने के बाद अस्तित्व आया था, बताइए 1956, 1962, 1971, 1947, बताइए ए आपका राइट होगा, या बी आपका राइट होगा, या सी आपका राइट होगा, या डी आपका राइट होगा, बताइए कौन सा होगा, दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, बी आपका क्या होगा राइट, 1962। इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, निरंतर बने रहिए, पुराने क्वेश्चन है, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको इन क्वेश्चनों से हेल्प मिले, इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने राजस्थान फायर सर्विस की जो 29 जनवरी को एग्जाम होने वाली है, ठीक है, जिसका अभी निर्धारित नोटिफिकेशन ये है कि 29 जनवरी को श्योर है आपका एग्जाम होगा, तो 29 जनवरी को एग्जाम होगा, तो क्यों न अपन उस एग्जाम को फाइट करने से पहले, एग्जाम को देखने से पहले, पुराने एग्जामों को, पुराने पेपरों को एक बार और देख लेते हैं, ताकि अपने को और वो मिले, सहायता मिले, बताइए भी अग्नि सुरक्षा अधिकारी, फायर मार्शल, स्थानीय पुलिस अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, बताइए चार ऑप्शनों में से राइट आपका कौन सा होगा, चार ऑप्शनों में से अग्नि सुरक्षा अधिकारी, फायर मार्शल, स्थानीय पुलिस अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी, क्वेश्चन है फायर वार्डन द्वारा किसके मार्गदर्शन में बचाव कार्य किया जाना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में, अग्नि सुरक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में, दोस्तों राइट आपका क्या होगा, ए राइट होगा, कंप्लीट है, ठीक है। भारतीय मानक के अनुसार फायर हाइड्रेंट में फिट किए मानक मेल कपलिंग का आकार क्या होना चाहिए, बेसिक है, बार बार बता रहे, मेल कपलिंग का आकार पूछ रहे हैं, कौन सी कपलिंग, मेल कपलिंग, दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, देखो कपलिंगों का जो पार्ट है ना, कपलिंगों में बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चनों को अगर थ्योरी आपने पढ़ी है तो उसको ढंग से ही पढ़ी है तभी आप बता सकते हो, पूछा क्या है मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग, बेसिकली आपने पढ़ लिया होगा कि कपलिंग कितने प्रकार की, इंस्टाटेनियस फलाना कपलिंग, दिखड़ा कपलिंग, अब मेल और फीमेल कपलिंग, क्वेश्चन ये नहीं पूछा आपसे मेल फीमेल, मेल तो नाम ही दे दिया, तो इसमें पूछा इसका डायामीटर, यानी जो मेल कपलिंग लगी होती है उसके जो व्यास होता है, इस व्यास की क्या पूछी है, डायामीटर पूछा, व्यास पूछा, कपलिंग का आकार क्या होता है, यानी इसका कितना व्यास होता है, तो क्या वो 60 और 75, दोस्तों राइट आपका कौन सा होगा, राइट इसमें होगा बी 63, कौन सा राइट होगा बी, ठीक है ना। चलिए, भारतीय मानक संहिता के अनुसार आपातकालीन बचाव प्रीचर के लिए चेसिस का न्यूनतम भार कितना होगा, तो बताइए कितना, 20,000 की तरह, 19,000, 16,000, 18,000, बताइए चार ऑप्शन में राइट कौन सा होगा, जल्दी से बताइए भी, देखो टाइम लग रहा है इसका मतलब आपका अभ्यास कम है, जल्दी से बताइए ए बी सी डी, चार ऑप्शन में से राइट कौन सा होगा, 16,000 की ग्रह, यानी सी इसका राइट होगा, भारतीय मानक संहिता के अनुसार आपातकालीन बचाव प्रीचर
के लिए चेचिस का न्यूनतम भार वेट पूछे दोस्तों, क्या पूछे वेट, तो कितना होगा 16,000 किग्रा। ठीक है, बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, बहुत से ऐसे साथी होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। निम्न में से कौन सा साल्वेज के बारे में एक सही विकल्प है, साल्वेज के बारे में सही विकल्प कौन सा है, प्रभावी प्रभावी साल्वेज, अपर्याप्त जनसंपर्क, खराब साल्वेज, मिस उत्तम जनसंपर्क, उत्तम जनसंपर्क, प्रभावी साल्वेज बराबर उत्तम जनसंपर्क, और प्रभावी साल्वेज यानी बेकार डेटा संग्रह। बताइए चारों में से राइट कौन सा होगा आपका, बताइए चारों में से राइट कौन सा होगा, प्रभावी साल्वेज होगा या खराब साल्वेज, प्रभावी साल्वेज उत्तम जनसंपर्क और प्रभावी साल्वेज बेकार, तो आपका राइट कौन सा होगा, सी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना, क्वेश्चनों को पहले ढंग से पढ़ो, पढ़ने के बाद में उसके ऑप्शनों को ढंग से देखो, उसके बाद में जल्दबाजी न करते हुए जो सही लगे उसी को करें। देखिए आपको भटकाने के लिए राजस्थान फायर सर्विस में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आप क्या करोगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग चलोगे, यानी 100 क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप 100 के 100 करने की कोशिश करोगे, ये नहीं चेक करोगे, ये नहीं देखोगे कि अपन कितने सही कर रहे हैं कितने गलत। आपको यही जल्दी रहेगी कि जल्दी से इस क्वेश्चन को करें आगे वाला देखें, जल्दी से उसको करें आगे वाला देखें। दोस्तों ये आपको नुकसान पहुंचेगा, थोड़ा सा आपको भटकाने के लिए चीज़ दी गई है, घबराना मत। क्वेश्चन को पेपर को उस तरीके से फाइट करना कि आपको यही समझना है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, और जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी जो मेरा साथी इस प्रकार से पेपर को फाइट करेगा, इस प्रकार से पेपर को पढ़ करके करेगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, रियल मानते हो, सच बता रहा हूँ, वो उस इस एग्ज़ाम को क्या करेगा, फाइट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसमें हौसला है, वो चीज़ें देख रहा है, यानी जानबूझ के गलत करने की वो कोशिश नहीं करेगा, सही तरीके चीज़ों को पढ़ेगा, उसके बाद में उसको सही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको डर है कि नेगेटिव मार्किंग है। आपके वो भी बात है, डर होगा तो आप चीज़ को सही तरीके से करोगे, अगर डर नहीं होगा तो आप उस चीज़ को सही तरीके से नहीं करोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक वो है ना, खुश मत होना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सारे खुश हो रहे, खुश नहीं होना अपने को, ये दुखी की बात है। सुखी की बात तब होती है जब नेगेटिव मार्किंग होती, तो इसमें बहुत सारे वो होंगे, पजल होंगे। ठीक है, चलिए, स्प्रिंकलर प्रणाली में QVD का पूर्ण रूप क्या होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो QVD अगर नाम आ गया और जो फायर सर्विस में सही तरीके से थ्योरी को नहीं पढ़ा तो वो QVD के बारे में नहीं बता सकते। दोस्तों स्प्रिंकलर प्रणाली के बारे में बार बार अपन चर्चा करते हैं, एक अपना चैप्टर भी लगता है स्प्रिंकलर, जिसमें ये बताया जाता है कि एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी व्यवस्थित फायर की एक फिटिंग होती है जिसमें से पानी क्या करता है, आग को बुझाने के लिए उसमें एक छत पे फिटिंग की जाती है, जिससे वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आग लगी उस आग को वो क्या करके सेंसर के माध्यम से कैच करके और ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो आग लगी उसको बुझाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं इसमें QVD बल्ब लगा होता है। ठीक है, इसको चैप्टर को इस टॉपिक को बताने से पहले QVD के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया, इसका डायग्राम ले लिया। दोस्तों देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आपको ये जो एक इक्विपमेंट दिख रहा है ना, इस इक्विपमेंट को बोलते हैं स्प्रिंकलर, जिसमें एक देखो आपको लाल कलर का एक बल्ब दिखाई दे रहा है, इस बल्ब को क्या बोलते हैं, QVD बल्ब बोलते हैं। ये क्वेश्चन मुझे पता किसी का गलत नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, क्यों, क्योंकि मैं समझाने का थोड़ा सा तरीका अलग लेता हूँ। अब QVD बल्ब इसको क्यों बोलते हैं, ये कोटराइड बल्ब डिटेक्टर, QVD का नाम होता है कोटराइड बल्ब डिटेक्टर, यानी एक ऐसा बल्ब जो डिटेक्ट करेगा कब, देखो जैसे इसको लगाने का क्या होता है, एक जो पाइप है मेन लाइन है उसमें एक छिद्र करके इसको यहां क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया गया। अब ये है ना, इसको उल्टा कर लो और यहां लगा दो, ये पानी की लाइन जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसको उल्टा करने के बाद में इसमें देखो ये जो आपको पार्ट दिखा रहे हैं, अब पानी क्या होगा, देखो पानी जैसे इसे ये आपका मेन जो वाल्व है, मेन पॉइंट है, ये जो हटेगा, हटने के बाद में जेट के रूप में पानी क्या करेगा, डिफ्लेक्टर प्लेट पे गिरेगा। ध्यान दे, इधर आइए, ये क्या करेगा, जैसे ये QVD बल्ब है, यहां अगर आग लगी है, आग लग गई, आग लगने के बाद में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आपको एक लाल कलर का एक और इसमें एक लिक्विड एल्कोहल भरा हुआ है जो क्या करेगा, तापमान बढ़ने पर बढ़ेगा, ध्यान देना, तापमान बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने के बाद में ये क्या हो जाएगा, देखो इसको चाहिए जगह, जगह नहीं मिलेगी, इसका मतलब क्या, फूटेगा, टूटेगा, टूट गया। अब टूटने के बाद में ये स्पेस क्या होगा खाली, अब जो पानी है वो जेट के रूप में क्या आ रहा है, एकदम इस पर गिर रहा है, जो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टर प्लेट, उसके बाद में ये पानी वो क्या करेगा, तोड़ करके नीचे डालेगा और जहाँ पर भी आग लगी उस आग को आसानी से बुझा देगा। अब
इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आग बुझाने के लिए सबसे पहले एक्टिव कौन हुआ, एक्टिव हुआ इसमें जो एल्कोहल भरा हुआ वो, क्योंकि एल्कोहल का जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, फैला होगा, और जैसे जैसे फैलेगा टूटेगा, टूटने का मेन पार्ट इसका वाल्व भी खुल जाएगा तो पानी आग बुझा देगा। अब ये होता है क्यूबिडी, इसको बोलते हैं क्यूबिडी। अगर बल्ब डायरेक्ट बल्ब नाम आ जाए तब तो सभी बता देंगे, तो इसका राइट कौन सा होगा, क्वांटिफाई बल्ब डिटेक्टर नहीं होगा, क्वाट्राइड बल्ब डिटेक्टर आपका बी इसका क्या होगा, राइट होगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन से भारतीय मानक का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए भी मानक दिए गए हैं, जो चीज़ अभी आपको ये दी गई है पुराने एग्जाम में, अगर प्रीवियस एग्जाम में आई हुई है तो इसका मतलब उसी के अकॉर्डिंग आई हुई, आईएस इंडियन स्टैंडर्ड। भारतीय जो मानक होता है समय समय पर अगर उनको लगे ये चीज़ मॉडिफाइड हुई है, चेंजिंग हुई है, तो बदलाव के अकॉर्डिंग ये आईएस कोड चेंज किए जाते हैं, उसके बाद में यहाँ आगे सेशन दिया, ये आपका क्या हो गया कोड। थोड़ी सी चीज़ें देखो साथ में कवर करनी जरूरी है, जो बच्चे इस लाइन में नए हैं, जो मेरे साथी इस लाइन में नए हैं, उनको इन कोडों के बारे में नहीं पता ये कोड होता क्या है। सर ये 2004, देखो ये जो आपको दिया गया ये होता है सेंसेशन, ये क्या होता है सेशन, ईयर साल होते हैं, यानी इस साल में इसमें अमेंडमेंट बदलाव किए गए, इस साल में इसमें जो भी चीज़ें बदलाव होती है कोड ये होते हैं, मेन जो कोड होते हैं ये होते हैं, जैसे 2880, 2878, 2829 ये तो अलग अलग दिए गए, पर मेन कोड ये होते हैं सेशन यानी ईयर्स होते हैं। समझ में आएगा ना, ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड यानी आईएस लगा दिया भारतीय मानक, ये कोड हो गया, इस सेशन में इसका अमेंडमेंट हुआ है, बदलाव हुआ है, जो भी इसमें चेंजिंग हुई है वो सेशन दिया, यानी पिछले इस सेशन में इसमें कुछ बदलाव हुआ है। समझ में आया ना, ठीक है। अब बताइए बच्चे चार ऑप्शन में से राइट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन से भारतीय मानक का प्रयोग किया जाता है, ए बी सी डी, बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। इसमें से होगा आईएस 2878 2004, तो आपका राइट कौन सा होगा, बी, कंप्लीट है ना। सेम क्वेश्चन द्वारा प्रयोग भारतीय मानक सेम आ गया, ठीक है, कौन से भारतीय मानक का प्रयोग किया जाता है सेम आ गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे भी जो टाइपर है ना उनको बोलेंगे। भारत में हम फायर मॉक ड्रिल का संचालन, भारत में इंडिया में फायर मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल के बारे में बताया था ना आपको, सामान्यतः कितने अंतराल में करते हैं बताइए, 9 महीने में एक बार करते हैं, 2 वर्ष में एक बार करते हैं, 3 वर्ष में एक बार करते हैं, 6 महीने में एक बार करते हैं, बताइए राइट आपका कौन सा होगा, राइट आपका कौन सा होगा। चार ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट वाला ऑप्शन बताना है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो राइट आपका कौन सा होगा, डी आपका राइट होगा, 6 महीने में एक बार, कंप्लीट है ना, 6 महीने में एक बार भारत में हम टायर मॉक ड्रिल का संचालन सामान्यतः कितने अंतराल में करते हैं, तो 6 महीने में एक बार, कंप्लीट है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, सीधी सीडी का इस्तेमाल करने के लिए, सीधी सीडी का इस्तेमाल करने के लिए अधिकतम सुरक्षित कोण क्या होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। बताइए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या 30 डिग्री, दोस्तों राइट ऑप्शन कौन सा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चनों को ध्यान से देखो, ऑप्शन देखने के बाद में जस्ट चुनना मत, उनमें से आपको दोबारा क्वेश्चन पे जाना है और उसके बाद में दोबारा ऑप्शन पे आना है, क्या राइट होगा आपका, 75 डिग्री, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा हाइड्रेंट प्राय शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, इस पर चर्चा भी करेंगे, तो प्राइवेट हाइड्रेंट, पब्लिक हाइड्रेंट, पिलर हाइड्रेंट, पोस्ट हाइड्रेंट, कन्फर्म डन करो पब्लिक हाइड्रेंट, ठीक है। अब बात करते हैं भाई पब्लिक हाइड्रेंट ये क्या होता है, सर थोड़ा सा इस पर अध्ययन कर लेते हैं ताकि बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपका सहयोग बना रहे, जिससे हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। दोस्तों आइए करते हैं बात, ये एक कहीं का फोटो हमने कैप्चर करके डाउनलोड करके आप तक पहुंचा है, इसमें क्या दिया गया, पब्लिक हाइड्रेंट। दोस्तों हाइड्रेंट का मतलब क्या होता है आपने पढ़ लिए होंगे, इतने प्रकार के हाइड्रेंट होते हैं, इन हाइड्रेंटों को इस काम में लिए जाते हैं, तो फिर हम चर्चा दोबारा कर लेते हैं क्योंकि थ्योरी जरूरी है। देखो हाइड्रेंट फायर सर्विस में एक अलग से पॉइंट दे दिया गया, देखो फायर सर्विस में पानी प्राप्त करना, देखो मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ, आपको अच्छा लगे तो ठीक, न लगे तो ठीक, कुछ नहीं होने वाला, सारी चीज़ें मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, अच्छा लगेगी क्यों नहीं लगेगी। फायर सर्विस में मैक्सिमम में कहीं पर भी अगर मैं आऊँ, मैं जो बोले कि आग लगी आप आओ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यही पूछूँगा, बताइए भाई पानी कहाँ है,
क्योंकि मुझे फायर फाइटिंग करनी है, तो फायर फाइटिंग फायर को बुझाने के लिए मुझे वो सामग्री चाहिए, वो मुझे मीडिया चाहिए जो उस आग को बुझाने के लिए, ठंडा करने के लिए, उस आग को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ली जा सके। अब वो सर्वाधिक यूज़ करने वाला एक पॉइंट होता है, वो होता है पानी। अब देखो शहरी क्षेत्र में क्या होता है, भी शहर में कहीं पर भी आग लग सकती है, और आग को कंट्रोल करने के लिए अपने को चाहिए जगह जगह पर ऐसे पॉइंट जहाँ से अपने आसानी से पानी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस शहर में ऐसे ऐसे पॉइंट दे दिए जाते हैं जहाँ पे लगता है कि इस जगह पर अगर फायर फाइटिंग करनी हो तो पानी की जरूरत हर हाल में होगी, तो वहाँ पर एक पॉइंट दे दिया जाता है जिसे बोलते हैं फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट किसे कहते हैं, जहाँ पर क्या करता है एक फायर फाइटर, आवश्यकता पड़ने पर जैसे यहाँ आग लगी है, इस आग को बुझाने के लिए एक फायर फाइटर अपने पास में पूरी सामग्री उपलब्ध होती है, यहाँ पर इसको कैच करके, यहाँ पर इसको लगा करके क्या करता है, यानी इसके द्वारा पानी प्राप्त करता है, अपनी होज है, होज पाइप लगा कर उसको अच्छी तरीके से फिटिंग करके, वाल्व ऑन करके पानी प्राप्त कर ले, क्योंकि ये शहर की मेन वाटर लाइन से जुड़े रहते हैं, जिसमें से ये पानी क्या होता है ऑटोमेटिकली इसमें चलता रहता है। जैसे ही अपने को आवश्यकता होगी, मेन जो फायर की इक्विपमेंट लगेंगे कोई दूसरे काम के लिए, क्योंकि हाइड्रेंट बोल गए इसका मतलब फायर की ही सामग्री इसमें उपलब्ध होगी, फायर के ही इसमें फिट होंगे और वो ही इससे पानी ले सकते हैं, उन्हीं को इसके बारे में पता है, पब्लिक के लिए ये बिल्कुल वो है, नहीं पता होता इनको, ठीक है। तो ये हाइड्रेंट की बातें थी, जरूरी है साथ साथ में करना। अगला क्वेश्चन है, सुविधाजनक वेंटिलेशन के कितने प्रकार होते हैं। सुविधाजनक वेंटिलेशन के खिड़की का मुख्य है छोटे द्वार वाला वेंटिलेशन, पंप प्रवाहित लेसन और ड्राफ्ट वेंटिलेशन, प्राकृतिक प्रणाली और यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली, रूफ वेंटिलेशन और डोर वेंटिलेशन। बताइए चार ऑप्शन में से राइट कौन सा होगा, ए है, बी है, सी है, डी है। दोस्तों राइट आपका होगा खिड़की का मुख्य छोटे द्वार वाला वेंटिलेशन, पंप प्रवाहित लेसन वाला, ड्राफ्ट वेंटिलेशन, तो प्राकृतिक प्रणाली और यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली। सुविधाजनक वेंटिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, तो एक होते हैं प्राकृतिक और यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली। तो दोस्तों इसका राइट क्या होगा, सी। कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही, नेक्स्ट क्वेश्चन स्वास्थ्य और सुरक्षा। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद में जवाब देना है। स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति को कितने समय के भीतर कम से कम एक बार मिलना चाहिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति को, स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति को कितने समय के भीतर एक कम से कम एक बार मिलना चाहिए। बताइए एक महीना, तीन महीना, छः महीना, पंद्रह महीना, बताइए राइट कौन सा होगा, बताइए राइट कौन सा होगा। मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो, एक महीना। यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति को कितने समय के भीतर कम से कम एक बार मिलना चाहिए, यानी वन माह, एक महीने, 30 दिन के भीतर। ये क्वेश्चन दिनों में भी आ सकता है, अब की बार महीनों में आया तो दिनों में भी आ सकता है, 30 दिनों में कम से कम एक बार मिलना चाहिए। कंफर्म है ना, ठीक है। कुशल निर्वहन यानी डिस्चार्ज को, डिस्चार्जर को सुनिश्चित करने के लिए पोर्टेबल हेलन अग्निशामक में शुष्क नाइट्रोजन को भरने का दाब कितना होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। तो क्या 15 बार, 5 बार, 720 बार और 10 बार, बताइए आपका राइट कौन सा होगा। 15 बार, 5 बार, 720 बार और 10 बार, तो दोस्तों राइट आपका होगा बी, यानी 5 बार, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लेना और उसके बाद में जवाब देना। अधिकतर रोप बचाव कार्यों के लिए प्राथमिक रोप कैसी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, रोप का चैप्टर आपने पढ़ाई है और उन्हीं में से घुमा करके लैंग्वेज चेंज करके प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है। क्या वो गतिशील रोप होती है या दोहरी गुथाई हुई या स्थिर होती है या उपरोक्त सभी होती है। दोस्तों बताइए चार ऑप्शन से राइट कौन सा होगा इस क्वेश्चन का, ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें से आपका राइट क्या होगा, बताइए जल्दी से। अधिकतर रोप बचाव कार्यों के लिए प्राथमिक रोप कैसी होती है, तो उपरोक्त भी गतिशील भी होती है, दोहरी गुथा हुई स्तर यानी उपरोक्त भी आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। चलिए, फिनिश्ड फोम के निर्माण के लिए बुलबुले बनाने के लिए फोम विलयन में वायु के संयोजन को किस नाम से जाना जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी देखो इस प्रकार से दिए गए ताकि पजल आप खुद होंगे। एस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन, बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए।
चार ऑप्शन है, चारों में से राइट बताना आपको। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिनिश्ड फोम के निर्माण के लिए, बुलबुले बनाने के लिए फोम विलयन में वायु के संयोजन को किस नाम से जाना जाता है? एस्पिरेशन, रेस्पिरेशन और एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन, बताइए कौन सा होगा। इसमें से आपका राइट होगा एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपेंशन। आपका राइट क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए। फिनिश्ड फॉर्म के निर्माण के लिए सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एन एफ पी ए का क्या अर्थ होता है? एन एफ पी ए का क्या अर्थ होता है? नेशनल, ये तो बेसिक है, ये तो आपने हर बार देखा भी होगा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, बार बार बताते भी है, हिंदी में भी साथ में नाम दे दिया। क्वेश्चन अच्छा है, चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, नुकसान कुछ नहीं करेगा, कुछ देकर के जाएगा क्वेश्चन। नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन और नेशनल फायर प्रिवेंटिव एजेंसी, तो दोस्तों इसमें सी होगा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संगठन कहते हैं। एनएफपीए का क्या अर्थ होता है? एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। सी इसको लॉक कर दीजिए, राइट आपका क्या होगा? सी। आग लगने पर वेंटिलेशन क्या करता है? यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन देखो इतने खतरनाक दिए गए हैं कि आप खुद को माइंड ना घुमा देगा। सारे सोचने वाले ऑप्शन है, आप कर ही नहीं सकते अचानक, तो चार ऑप्शन सोचने वाले हैं। एक तो है फंसे हुए व्यक्ति पर आग की गैसों, देखो भाई वेंटिलेशन कब करते हैं? वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जैसे आग लगी है, अगर इस कमरे में आग लगी है तो सबसे पहले वेंटिलेशन करते हैं ताकि इसमें जो धुआं है वो अपन क्या कर सकें, बाहर निकाल सकें, यही है ना। अब बाहर निकाल सके तो ऐसी अपने को प्रणाली करनी पड़ती है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देखिए। आग लगने पर वेंटिलेशन क्या करता है? फंसे हुए व्यक्ति पर आग की गैसों और तापमान के प्रभाव को कम करता है, प्रशीतन के प्रभाव को कम करता है, आग के प्रभाव को कम करता है और अक्षति को कम करता है। तो सर हमने तो सुना है वेंटिलेशन अगर अपन कर रहे हैं तो क्षति को भी कम करता है, आग के प्रभाव, हाँ बिल्कुल आग के प्रभाव को भी कम करता है, प्रशीतन के प्रभाव को कम करता है बिल्कुल, और फंसे हुए व्यक्तियों पर अगर आग की गैसों और ताप है तो बताओ सर राइट कौन सा होगा? दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा होगा? चारों ऑप्शनों में अगर एक निकालना है ना तो वो होगा ए। कैसे? वो इसलिए ए होगा, थोड़ी सी देखो एक आपको मैंने डायग्राम दिया और थोड़ी सी इस पर अध्ययन करते हैं। इस पर अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि वेंटिलेशन पार्ट ऑफ फायर, इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे? फिर देखो इसमें एक डायग्राम आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ क्या लगी है, एक आग लगी हुई है, एक बंद कमरा है, आग लगी हुई है, आग के कारण निकलने वाला कार्बन, निकलने वाला धुआं, इसकी छत में पूरी तरीके से फैल रहा है। जैसे जैसे आग बढ़ेगी तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा ना, और तापमान जो अपना मेन दरवाजा होगा उसकी जो हवा है उसकी वजह से वो और आग बढ़ेगी। जहां से भी इसको अगर देखो ऑक्सीजन मिलती रहेगी आग बढ़ेगी, और यहाँ तापमान भी बढ़ गया और उसके बाद में ये देखो धुआं बाहर निकल रहा है। इसमें एक मेन चीज़ है ना, वो ध्यान देना क्या मेन चीज़ है। उसके बाद में एक फायर फाइटर के द्वारा आने के बाद में इस वेंटिलेशन सिस्टम से धुआं धीरे धीरे ऊपर निकल रहा है और उसके तापमान को, जलती हुई आग को कम करने के लिए पानी डाला जा रहा है जिससे इसको कूलिंग मेथड से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पर बात करते हैं वेंटिलेशन सिस्टम क्वेश्चन के आधार पर, यानी क्या मुख्य काम क्या होता है इसका? मुख्य काम होता देखो ये होता है भी जब वेंटिलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको जो टेम्परेचर है उसका जो धुआं है, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, फायर फाइटिंग करने के लिए अपने को चाहिए, वहाँ जो काम कर रहा है वहाँ उस समय कोई व्यक्ति जा रहा है। अगर इस कमरे में धुआं ही धुआं होगा तो जो ये भाग रहा है ना ये भागेगा नहीं। अत्यधिक धुएं से अगर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं हो रहा तो इसको क्या होगा, दम घुटने की विधि से ये यहीं बेहोश हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसका मतलब वेंटिलेशन करना यानी वहाँ जो धुआं एक्टिव हो रहा है उसको हटाना, हटाने के बाद में अपना रास्ता वे सही हो और जिससे अपन आग क्या कर सके, बुझा सके। क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। आग लगने पर वेंटिलेशन क्या करता है? आग लगी है पर वेंटिलेशन क्या करता है? फंसे हुए जो व्यक्ति है ना, वेंटिलेशन अगर कर रहे हैं ना, अगर उसमें फंसे हुए व्यक्ति है उसको एक तो गैसों और ताप के प्रभाव को कम करता है। बड़ा अच्छा ए होना, इसमें ए क्या होगा, राइट होगा।
जो गैस कहने का मतलब वेंटिलेशन होगा, यानी वेंटिलेशन होगा तो अंदर की जो कार्बन डाई जो गैस है जो कार्बन है वो बाहर निकलेगा, जिससे और प्लस में तापमान भी कम होगा। तापमान कम क्यों होगा कि सीमित समय में अगर कोई चीज़ें देखो, अगर किस रूम में आग लगी हुई है, अगर एरिया इतना ही है तो वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली पास की ठंडी वायु को गर्म कर देगा, जिससे वहाँ का तापमान ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और बढ़ने के कारण आसपास जो भी वस्तुएं पड़ी है उसको भी जलाएगा। इसलिए अपने को क्या चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, और वो कार्य करता है वेंटिलेशन, क्योंकि धुआं बाहर निकल जाएगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी तब अत्यधिक नहीं होगा, इसकी वजह से अपना शरीर क्या कार्य कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा, राइट होगा। मेरी तरफ से भैया मैंने दी बेस्ट समझाया, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते भैया, कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कुछ अलग से देने की। अग्नि रोकथाम क्या है, अच्छा सुने, आग के बारे में बताना, अग्निशमन अधिकारी को शिक्षित करना, आग से बचाव का नियम बनाना, लोगों को शिक्षित करना, सावधानी बरतना और संभावित रूप से हानिकारक आग से बचना। बताइए अग्नि रोकथाम क्या है, चार ऑप्शन में से राइट क्या होगा। आग के बारे में बताना, अग्निशमन अधिकारी को शिक्षित करना, आग से बचाव का, देखो तीनों ऑप्शन है, ये थोड़े भिन्न दिखाई दे रहे हैं ना, और इसमें देखो सारी बातें आगे, लोगों को शिक्षित करना, अग्नि रोकथाम, भाई मैं अवेयर कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, लोगों को फायर के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं ये बताता हूँ आप इनसे क्या, देखो शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित कर रहा हूँ कि अगर आग लग जाए ना तो आपको सही तरीके से उससे निपटना, कैसे निपटना है, किससे लड़ना है, सावधानी बरतना, ये भी बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से सावधानियाँ बरतनी है, और संभावित रूप से हानिकारक आग से बचना, और संभावित रूप से वो भी बताऊँगा कि अगर आप आग बढ़ जाए तो अपने को किस प्रकार से उस आग से सेफ्टी बरतनी है। राइट कौन सा होगा, इसका डी इसका राइट होगा, समझ में आया ना, ठीक है। होज दाब को कौन प्रमाणित करता है, क्वेश्चन पढ़ करके जवाब देना, ये नहीं है डायरेक्टली ए बी सी डी आप जवाब दे रहे हो, जल्दी से दे दीजिए। NBPA, NAPA, NEPA, NFPA, बताइए राइट आपका कौन सा होगा। NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, NFPA पढ़ा था ना अपन ने अभी, क्या नाम होता है प्रण, तो होज दाब को कौन प्रमाणित करता है, होज के दाब को कौन प्रमाण कौन करेगा, NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, तो आपका डी राइट होगा। ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित करने या उसे हटाकर आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित करने या उसे हटाकर आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या, समुद्रिंग, अप्राप्ति, शीतलन, अवरोध, तो क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित करके या उसे हटाकर आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, दम घुटना, कौन सा होता है, समुद्रिंग। अरे ये क्वेश्चन तो आपको पहले करवाए थे, बेसिक क्वेश्चन है, घबरा क्यों रही हो, समुद्रिंग दम घुटने की विधि से बताया था ना आपको, वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है जो अपने आसपास ऊष्मा का निस्तार करती है, क्या वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है या श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये ऊष्मा क्षेपी है, ये ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी है, डी आपका दोस्त मैं लिख देता हूँ यहाँ, ऊष्मा शोषी, टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है कई बार, ऊष्मा शोषी, बताइए चारों में से राइट कौन सा होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जो अपने आसपास ऊष्मा का निस्तार करती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, कौन सा राइट होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्या होगा आपका, बी राइट होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उस स्थान या भवन का क्या नाम होता है, उस स्थान या भवन का क्या नाम होता है जहाँ किसी आपातकालीन स्थिति में हर किसी को एकत्र होने का आदेश दिया जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या उसको मीटिंग पॉइंट बोलते हैं, मास्टर पॉइंट बोलते हैं, कॉल पॉइंट बोलते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट बोलते हैं, बताइए जल्दी से कौन सा भाग, कौन सा पॉइंट होता है, मास्टर पॉइंट या कॉल पॉइंट या ज्वाइनिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, कौन सा इसमें राइट होगा, कौन सा राइट होगा, इसमें होगा आपका बी राइट होगा, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए, बी इसमें आपका क्या होगा राइट। MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट बता देता हूँ, पहले निकाल लीजिए इसमें से कौन सा है, इंग्लिश में बता दिया, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का पूरा नाम होता है MSDS, इंग्लिश में आ जाए ना, मटेरियल M का मटेरियल, S का सेफ्टी, D का डाटा और S का सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी डाटा, S का सीट,
हिंदी में निकाल लीजिए कौन सा होता है, सामग्री अनुमोदन डेटा शीट, सामग्री सुरक्षा डेटा शीट, धन सुरक्षा डेटा शीट और धन अनुमोदन डेटा शीट। दोस्तों मैंने क्या बताया अभी, अम का मतलब होता है मटेरियल यानी सामग्री, एस का मतलब सेफ्टी यानी सुरक्षा, डेटा, डेटा तो सभी में कॉमन है, अरे डेटा तो सभी में कॉमन है, और एस का मतलब सीट, सीट भी सभी में कॉमन है, चुनना अपने को क्या है, दो ही शब्द, मटेरियल सेफ्टी, सामग्री सुरक्षा, सामग्री सुरक्षा। तो आपका राइट कौन सा हुआ दोस्तों, बी। ठीक, चलिए एनएफपीए फायर डायमंड का कोड क्या होता है बताइए, एनएफपीए 714, एनएफपीए 734, एनएफपीए 704, एनएफपीए 724, बताइए जल्दी से कौन सा हुआ राइट इसका, बताइए जल्दी से एनएफपीए फायर डायमंड का कोड क्या है। तो कौन सा कर दें, सी राइट कर दें, एनएफपीए 714, एनएफपीए 734, तो आपका राइट कौन सा होगा, एनएफपीए 704। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएफपीए का कौन सा अनुभाग पार्किंग ढांचे में, साथ साथ में जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको कैच कीजिए, समझ में जल्दी आएगा। एनएफपीए का कौन सा अनुभाग पार्किंग ढांचे में प्रकाश हीटिंग को शामिल करता है, एनएफपीए नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का कौन सा भाग अनुभाग पार्किंग ढांचे में प्रकाश हीटिंग को शामिल करता है, तो बताइए कौन सा, एनएफपीए 88A, एनएफपीए 78B, एनएफपीए 78A, एनएफपीए 88B, बताइए राइट आपका कौन सा होगा, एनएफपीए 78B। ठीक है, चलिए निम्न में से किस द्रव्य का दीप्ति बिंदु 100 डिग्री फारेनहाइट से कम होता है, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी आपको करवा दिया, और जिनको यही क्वेश्चन नहीं आ रहा मैंने पहले भी इसको अच्छी तरीके से समझाया है, अगर नहीं देखा तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखिए, क्लियरली आपको पता चलेगा। बताइए चार ऑप्शन में राइट क्या होगा, ज्वलनशील, उच्च ज्वलनशील, दहनशील और विस्फोटक, राइट कौन सा होगा, निम्न में से किस द्रव्य का दीप्ति बिंदु 100 डिग्री फारेनहाइट से कम होता है, ज्वलनशील का, किसका, ज्वलनशील, ज्वलनशील द्रव का, ज्वलनशील, समझ में आ गया ग्रह, ठीक है। किस उद्योग में अपर्याप्त प्रकाश का चमक और वातन की कमी से श्रमिकों को क्या परेशानी होती है, उबकाई, उनिदापन, मांसपेशियों में दर्द और दुर्बलता तथा नेत्र तनाव, नेत्र तनाव, तो चार है अभी, चारों में से बताइए राइट आपका कौन सा होगा, चारों में से राइट आपका कौन सा होगा, उबकाई, उनिदापन, मांसपेशियों में दर्द और चौथा है दुर्बलता तथा नेत्र तनाव, तो क्या होगा, यही होगा। देख क्वेश्चन देखो ना, उद्योग में, किसी उद्योग में प्रकाश भी अपर्याप्त प्रकाश होगा, चमन और वातन की कमी से भी सीधी सी बात है दुर्बलता तथा नेत्र में तनाव होगा, अरे दिखे वो कम तो नहीं, नाड़ियां कमजोर होगी, ज्यादा दबाव पड़ा हुआ तनाव पैदा होगा और दुर्बलता भी यही पैदा होगी, दिखे ही कौन, दुर्बलता पैदा होगी और क्यों, तो क्वेश्चन आप लोग योग्य होगा, डी इसका राइट होगा। निम्न में से किस प्रकार का हाइड्रेंट वाल्व, सॉरी निम्न में से किस प्रकार का हाइड्रेंट वाल्व हाइड्रोलिक रूप से काफी दक्ष होता है, बताइए, स्लूस, बटरफ्लाई, बोल, स्क्रू डाउन। अब हाइड्रेंट का टॉपिक पीछे मैंने बताया भी था और इसमें से अपने को राइट बताना है, तो जल्दी से बताइए राइट कौन सा होगा, स्लूस टाइप जो हाइड्रेंट होता है ना, स्लूस टाइप हाइड्रेंट का बोल हाइड्रोलिक रूप से काफी दक्ष होता है, कौन सा होता है, स्लूस टाइप, ए आपका क्या होगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक फायर होज का टेंडर कोड है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, भारतीय मानक 2810, ये सेशन दिया गया, ईयर दिया गया 1982 में, भारतीय मानक IS 2980 1981, 2760 1983, 2930 और 1980, बताइए राइट आपका कौन सा होगा, भारतीय मानक 2930 1980 यानी डी आपका क्या होगा राइट होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कर लिए ना,
तो ये तो थे थोड़े क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में और भी इनमें से बच्चे भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और निरंतर में पीछे प्रीवियस अभी जो जो अपने एग्जाम हुए थे ना, जो कहीं का भी एग्जाम हो उन्हीं के क्वेश्चन उठा करके आपको वीडियो अवगत करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी होश और जोश के साथ तैयारी कीजिए शानदार तरीके से। धन्यवाद।